Namaste everyone. Today let's make a sweet bread. It is a Nutella filled bread. Very soft, very gooey. Children and adults, everyone will love it just the same. Very simple to make and extremely tasty. See how beautiful it looks. So let's make it. We will need for the dough 2 cups of all-purpose flour, maida. We will add it to a mixing bowl. To it, we will add 1 level teaspoon of instant dry yeast. This is 1 level teaspoon. We add it to the all-purpose flour. Next, we'll add 2 tablespoons of sugar to it. So add 2 level tablespoons of sugar. This is granulated sugar that I'm adding. Also, we will be adding 1 beaten egg to the mixture. After we mix the dry ingredients, add egg to it. We will reserve a little part of the egg, about 1 tablespoon we will leave behind for brushing the bread once it is ready. So I'm adding a beaten egg to it, but I will keep some. See, I've left some in the bowl to be brushed on the bread once it is ready. So we've added this. Now we'll add about 125 ml of milk to it. So adding milk, this is warm milk. It is not hot, it is not cold. It is lukewarm. So this helps the yeast to rise. So don't keep put cold milk or hot milk into it. Now mix this well with the help of a spoon. If you have a wooden spoon, it's better. But otherwise, you can use a regular spoon to mix this mixture. Once it is mixed, the all-purpose flour mixes well into the ingredients and you have a slightly sticky dough in the bowl. You can then take it out on a work surface and then knead it a little more. So once this is mixed, I'm going to add 3 tablespoons of room temperature butter to it. This is salted butter that I will be adding. Once the mixture is nicely done in the bowl, I've mixed it. I'll be adding butter to it. This is butter at room temp. So this butter is not melted. ये रूम टेम्परेचर पे बटर है जिसको हम ऐड कर रहे हैं. 3 tablespoons ऑफ बटर गो इन टू इट एंड विद द हेल्प ऑफ अ स्पून हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे डो में. द बटर हैज़ टू बी मिक्स प्रॉपरली इन टू द डो. पहले हम इसको बोल में विद द हेल्प ऑफ अ स्पून मिक्स करेंगे और फिर इसको वर्क सर्फेस पे थोड़ी देर के लिए इसको रख के और हल्का सा डो को हाथ से थोड़ा और मिक्स करेंगे. पहले बोल में इसको मिक्स कर लेते हैं जितना बोल में हो सके. एंड इसे थोड़ा सा घुमाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है इन अ बोल. सो दैट इज़ वाई वी रिमूव इट ऑन अ वर्क सर्फेस ताकि हम एक छोटा सा प्रॉपर बॉल स्मूथ बॉल बना के रख लें. इसको मैं थोड़ा सा डस्ट करके वर्क सर्फेस पे ये मैं डो को निकाल लेती हूँ बोल से इसके ऊपर. और बहुत देर नहीं इसको हमने मलना है, बहुत देर नीड नहीं करना है डो को. जस्ट अ वी बिट टू जस्ट स्मूदन इट आउट. तो ये डो को हम पहले बोल में थोड़ा हाथ से मैंने नीड किया, स्पून को रख दिया और अब मैं डो को वर्क सरफेस पे रख के इसको 2 मिनट के लिए हल्का सा इसको बस जस्ट हल्के हाथों से थोड़ा सा मिक्स करना है. सो ये हल्के हल्के हाथों से इसको मिक्स करते रहिए ताकि इसमें बटर सारा इनकॉर्पोरेट हो जाए अच्छे से, नहीं तो बटर का लम्प कहीं पे रह जाएगा एंड देन इट मे नॉट बी मिक्स्ड वेल. सो इसको हम मिक्स कर लेते हैं हाथों से बस हल्का सा रब करते हुए. ये देखिए एंड आई पुट इट बैक इन टू द बोल. इसको अब हमने ढक दिया है, ऊपर से हम एक क्लॉथ से इसको ढक के एक वार्म प्लेस में रख देंगे फॉर 1 आवर. और 1 आवर के बाद हम इसे खोल के देखेंगे. ये देखिए 1 आवर के बाद ये राइस कर गया है और इसको अब हम एक पंच करके इसकी जो एयर है वो निकाल देते हैं. और इसको फिर हम फिर से वर्क सरफेस पे फ्लावर थोड़ा सा छिड़क के, आप मैदा थोड़ा छिड़क दीजिए और इसको उस पर निकाल लीजिए वर्क सरफेस के ऊपर. अब इसको हम हल्के हाथों से दोबारा से नीट करेंगे. पहले हमने राइस करने से पहले से नीट करा था हल्का और अब हम थोड़ा सा जस्ट 2-3 मिनट्स आर इनफ ताकि ये एक अच्छा सा एक बॉल स्मूथ बॉल सा बन जाए और फिर हमने इसको पीसेस में काटना है. सो विथ लाइट हैंड्स जस्ट रबिंग इट अ लिटिल बिट, जस्ट टर्निंग इट ओवर, फ्लिपिंग इट ओवर एंड मूविंग द डो इनसाइड एंड देन जेंटली रबिंग इट ऑन द सर्फेस to make a smooth ball. You'll have a big ball and out of which we will cut out 5 pieces, 5 equal size pieces हमने इसके बनाने हैं और जिनके फिर हम फिर से balls बनाएंगे, छोटे 5 balls बनाएंगे. So ये एक बड़ा ball हमारा बन गया.
And now with the help of a cutter, we will make 5 pieces out of it. इसको बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से ही नीट करिएगा, बहुत ज़ोर ज़ोर से, बहुत स्ट्रेच नहीं करना है इसको. और ये देखिए बिल्कुल स्मूथ हो गया है. और अब हम इसको कट कर लेते हैं. सो मैं ये, हाँ, इसको थोड़ा सा इलॉन्गेटेड कर दिए तो आपको पीसेस काटने में आसानी रहेगी. सो इट्स एन ओब्लॉन्ग शेप एंड नाउ आई एम कटिंग इट इनटू पीसेस, 5 इक्वल साइज पीसेस. पहले आप कट्स लगा के देख लीजिए ऊपर से ही बराबर लग रहे हैं, फिर इनको डीपली कट करके सेपरेट कर लीजिए. सो वी विल हैव 5 पीसेस एंड उनको भी हर पीस को लेके हाथ से धीरे धीरे हल्के हल्के हाथों से मल के इनको स्मूथ बॉल्स में बनाना है हमको. आप वर्क सरफेस पे इसको घुमा सकते हैं, अपने दोनों पाम्स के बीच में लेके इनको घुमा सकते हैं, या फिर इनको स्ट्रेच करते हुए नीचे की तरफ टक करते हुए इनको बॉल बनाइए, उससे बहुत स्मूथ बॉल बनता है. विच एवर मेथड यू फाइंड ईजी एंड यू आर ओके विथ, यू कैन यूज़ द सेम मेथड टू मेक ऑल द 5 बॉल्स. सो वी विल हैव 5 स्मॉल बॉल्स, आउट ऑफ विच 4 आई विल यूज़ टू मेक 1 डिफरेंट काइंड ऑफ अ ब्रेड, और एक बॉल को मैं एक अलग टाइप की ब्रेड आपको बना के दिखाऊंगी, उसके छोटे छोटे 2 बंस बनेंगे. 4 पीसेस को हम एक ब्रेड में यूज़ करेंगे और एक को हम अलग रख देंगे. सो ये बॉल्स देखिए स्मूथ बॉल्स बन गई, दे आर वेरी वेरी सॉफ्ट, हल्के से स्टिकी अभी भी हैं, बट दे आर मैनेजेबल. आप उनको लेके आप डस्ट करते रहिए फ्लावर को वर्क सर्फेस पे. और अब हमने इनको रोलिंग पिन से इनको बेलना है इनटू बिग शीट्स. ये देखिए, ये थोड़ा सा एक बॉल बड़ा लग रहा था और एक छोटा, तो मैंने उसमें से थोड़ा सा तोड़ के और डो, और उन अब सब बॉल्स बराबर हो गए. सो नाउ आई एम डस्टिंग सम फ्लावर अगेन एंड नाउ आई एम गोइंग टू रोल इट विद अ रोलिंग पिन. ये बड़ी सी चपाती हमने बनानी है, लाइक अ रोटी, बिग साइज रोटी वी विल मेक, जितना आप स्ट्रेच कर पाए इसको. और बहुत ज़्यादा जोर मत लगाइएगा, अदरवाइज यू विल ब्रेक इट. बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से इसको फैलाते जाइए, बीच बीच में फ्लावर को डस्ट करते जाइए, मैदा आप छिड़कते जाइए बीच बीच में, सो दैट इट डजंट स्टिक टू द सर्फेस. और फिर हम एक पार्चमेंट पेपर लेंगे और उस पर हम इसको, ये जो हमने रोल करी हुई ये डो है, इसको हम उस पार्चमेंट पेपर के ऊपर डाल देंगे. पेपर थोड़ा सा इससे बड़े साइज़ का हो और जो हमारे बेकिंग टिन में जाएगा उस साइज़ का. ये मैंने पार्चमेंट पेपर ले लिया है और ये मैंने स्ट्रेच करते हुए ये बड़ी सी एक रोटी बना ली है डो की. इट्स वेरी सॉफ्ट और इसको हम हल्के हाथों से उठाते हुए और हम इसको पार्चमेंट पेपर के ऊपर रख देंगे. पहले इसको जितना हम स्ट्रेच करते सकते हैं साइड से, इसको कर लिया हमने रोलिंग पिन से, और अब हाथ में उठाइए और धीरे से पार्चमेंट पेपर के ऊपर डाल दीजिए. अब इसके ऊपर हम न्यूटेला की एक लेयर लगाएंगे. अभी रोलिंग पिन से थोड़ा सा और साइड से, इसको थोड़े मोटे लग रहे थे साइड, सो मैं इसको रोलिंग पिन से हल्के से स्ट्रेच करी ताकि इसका साइज़ थोड़ा और बड़ा हो जाए. सो देयर इट इज़ नाइसली डन. और अब मैं न्यूट्रेला लूँगी एंड आई विल स्प्रेड इट ऑन दिस. ये पहले हम 1 टेबलस्पून बड़ा फुल इस पर डाल के देखते हैं, इसको स्प्रेड करेंगे तो बिल्कुल थोड़े से अबाउट 1 सेंटीमीटर साइड से रहने देंगे ऑल अराउंड द चपाती. बाकी में हम पूरा इसको अच्छे से फैला देंगे विद द हेल्प ऑफ अ नाइफ. यू जस्ट स्प्रेड इट वेरी नाइसली ऑन एन इवन लेयर. बहुत मोटी थिक लेयर नहीं चाहिए, हम एक पतली सी लेयर इसके ऊपर पूरी फैला देंगे न्यूटेला की. ये दिस चिल्ड्रन जस्ट लव न्यूटेला एंड आई कैन वाउच फॉर इट दैट दे विल लव दिस ब्रेड. सो थोड़ा सा और मैंने डाला और इसको पूरा अच्छे से चारों तरफ इसको स्प्रेड कर देंगे, बिल्कुल अबाउट 1 to 2 सेंटीमीटर छोड़ देंगे साइड्स चारों तरफ से, और बाकी में अच्छे से इसको फैला देंगे. ऐसे करके अब हम फिर दूसरी चपाती बड़ा डो लेंगे, डो बॉल, और उसको हम उसको भी रोल करेंगे इनटू अ बिग राउंड और उसको हम इसके ऊपर रख देंगे. अब जब ये स्प्रेड हो जाए, पार्चमेंट पेपर को साइड में करेंगे और दूसरा डो का बॉल लेके अब उसको भी रोलिंग पिन से हम उसको भी रोल करेंगे इनटू अ बिग चपाती. बिल्कुल इसी साइज़ की अब हम बनाएंगे बाकी भी. ये देखिए बड़ी सी मैंने ये रोल कर ली है, बिल्कुल अ बिग रोटी. एंड नाउ इसको भी हम इसके ऊपर बहुत हल्के हाथों से उठा के धीरे से इसके ऊपर इसको फैला देंगे. आप चारों तरफ से इसको अपने आप थोड़ा स्ट्रेच करके उंगलियों से इसको उसके ऊपर बिल्कुल बराबर कर लीजिए. ये बहुत स्ट्रेची होता है ये डो, सो दे डोंट वरी, इट विल टेक द शेप.
थोड़ी देखिए मैं थल के हाथों से इसको स्ट्रेच कर रही हूँ, और अब इसके ऊपर भी हम फिर से न्यूटेला का एक लेयर लगाएंगे। ये मैंने न्यूटेला डाला इसके ऊपर और ये थोड़ा और इसको हम विद हेल्प ऑफ अ नाइफ इसको भी सेम वैसे ही एक लेयर स्प्रेड कर लेंगे। ऐसे करके हमने ये फिर हम ये जब स्प्रेड हो जाएगा फिर हम एक बड़ी रोटी बेल के उसके उसके ऊपर फिर से डालेंगे, फिर एक न्यूटेला का लेयर लगाएंगे और फिर एक और। सो वी विल हैव 4 चपातीस वन ओवर दी अदर, लेकिन 3 लेयर्स बीच में हमारे न्यूटेला के होंगे। ये अब हम सेकेंड लेयर स्प्रेड कर रहे हैं। आपने देखा साइड से मैं थोड़ा छोड़ती जा रही हूँ, सो ये पूरा अच्छे से स्प्रेड हो जाए, फिर हम एक और लेयर इस पर रोल करके चपाती का डाल देंगे। और ये थर्ड लेयर हमारा हो रहा है और इसको अच्छे से स्प्रेड कर रहे हैं हम, और इसके ऊपर जब ये अच्छे से स्प्रेड हो जाए एक और बॉल लेंगे डो का, और उसको भी हम रोल करके पतली चपाती में इसके ऊपर डाल देंगे। सो दिस इज़ नाइसली स्प्रेड एंड एज यू कैन सी आई हैव लेफ्ट द साइड्स। नाउ दिस इज द नेक्स्ट चपाती दैट आई हैव रोल्ड। इट्स वेरी वेरी सॉफ्ट, द डो इज़ वेरी सॉफ्ट एंड स्ट्रेची, सो इट नाइसली स्ट्रेचेज इन टू, सी हाउ नाइस एंड सॉफ्ट इट लुक्स। अब इसको ये रोलिंग पिन से हमने इसको कर लिया है, अब वैसे इसको अपने हाथों से उठाते हुए उसके ऊपर हम डाल देंगे जो न्यूटेला का लेयर हमने लगा रखा है उसके ऊपर अब हम इसको डाल देते हैं। एंड नाउ ये लास्ट लेयर अब हम ऊपर डाल रहे हैं, दिस इज द फोर्थ लेयर दैट्स गोइंग ऑन। सो देर आर 3 लेयर्स ऑफ न्यूटेला एंड 4 रोलिंग रोल्ड दीज शीट्स, ये जो चपातीज हैं ये 4 हैं और जिनके बीच में 3 हमने लेयर्स न्यूटेला के लगाए हैं। अब ये बीच में हम एक कटोरी और स्मॉल बोल कुछ रख के देखते हैं, ये साइज थोड़ा बड़ा लग रहा है, आई विल पुट अ स्मॉलर बोल ऑन इट, क्योंकि हम उसको सेंटर लेंगे फ्लावर का, एक बनाएंगे एक राउंड। हाँ ये ठीक है, दिस वाइट बोल इज़ गुड। और साइड्स में हम थोड़े कट्स लगाएंगे, देखिए मैंने चारों तरफ इसके विद द हेल्प ऑफ अ शार्प नाइफ इसके मैं कट्स बना रही हूँ जिनको हम अब पेटल्स में रोल करेंगे। तो पहले चारों तरफ इसके कट्स लगा लीजिए फ्रॉम द कटोरी टिल द एंड, राइट फ्रॉम द बोल टिल द एंड ऑन ऑल साइड्स। सो ये चारों तरफ जब सारे कट्स हो जाएं फिर हम इसे हाथ में लेके और फिर इसे रोल करेंगे। हम इसको 3 ट्विस्ट देंगे हर पेटल को, 1, 2 एंड 3, तो 3 क्लॉकवाइज ट्विस्ट देंगे सबको, एक ही डायरेक्शन में आप ट्विस्ट करिएगा तभी इसकी शेप अच्छी आएगी। इसको आप पार्चमेंट पेपर को घुमाते रहिए और इसको ट्विस्ट करते रहिए। सो दैट्स हाउ द पेटल्स आर मेड। सो ये कट्स सारे हो जाते हैं उसके बाद इन्हें ट्विस्ट करते रहेंगे, 1 एंड 2 एंड 3, उसके बाद इसको नीचे रख दीजिए और थोड़ा सा फ्लैटन कर दीजिए, 1, 2, 3। सो आई एम गिविंग 3 टर्न्स टू इट एंड ऑल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, 2, 3, अगेन 1, 2, 3। ऐसे करके हम चारों तरफ से ये ट्विस्ट एंड टर्न्स को हम 3-3 टर्न्स देते हुए हर पेटल को हम ऐसे पूरा कर लेंगे। और अब ये चारों तरफ से हमने इसको टर्न्स दे दिए हैं, नाउ विद द हेल्प ऑफ अ फोक हम इनको साइड साइड से प्रेस करते रहेंगे, विल मेक सम मार्क्स ऑन इट, दे लुक प्रिटी। सो हम इसको फ्लैटन आउट करते हुए एंड्स को और फोक के मदद से ऐसी लाइंस बना देंगे इसके ऊपर हल्के हाथों से प्रेस करते हुए चारों तरफ से ऑन ऑल पेटल्स। तो ये हमारा चारों तरफ से ये भी हो गया है और अब हमने इसको ब्रश करना है। इसको पहले हम पार्चमेंट पेपर को उठा के इसको हम बेकिंग डिश में रख देते हैं आराम से, हल्के हाथों से बिल्कुल फिट कर दीजिए इसको बेकिंग डिश में अपनी, और ये बोल हम निकाल के बाहर रख देते हैं। अब हमने इस ब्रेड को कवर करके एटलीस्ट 1/2 आवर के लिए फिर छोड़ देना है ताकि थोड़ा सा राइज कर जाए। सो वील कवर इट एंड वील कीप इट फॉर अबाउट 1/2 आवर एंड ये अब हमने
थोड़ा सा डस्ट कर लिया है। ये फ्लावर को हमने वर्क स्पेस पे, वो जो हमने एक डो का बॉल रखा हुआ था, इसकी हम अलग टाइप की ब्रेड बनाएंगे। ये देखिए, मैं इसको एक थिन रोल में इसको थिन आउट करती जा रही हूँ, एक लंबा सा रोल बना लेंगे और फिर हम इसको फ्लैटन करेंगे। थोड़ा हाथ से पहले फ्लैटन करके रोलिंग पिन से हम इसको पतला और लंबा बेल लेंगे, इट्स लाइक अ फ्लैट रिबन की तरह। ये देखिए, इसको फ्लैटन आउट करके और लंबा इसको स्ट्रेच आउट करते हुए इसको एक लंबी सी एक रिबन की तरह हम इसको रोल कर लेते हैं। ये फ्लैटन हो गया है और ये देखिए, इसके एंड्स थोड़े से मोटे रह गए, उनको भी थोड़ा सा रोलिंग पिन से पुल आउट करते हुए, स्ट्रेच करते हुए इसको थिन आउट कर लीजिए। सो एंड इट शुड बी इवन इन साइज, द विड्थ हैज टू बी ऑलमोस्ट इक्वल। सो ये एक लंबा सा हमने एक रिबन सा बना लिया है और अब इस पे हम न्यूटेला लगाएंगे। इस पे भी इसको देखिए, इसकी लेंथ देखिए, इट्स अ लॉन्ग स्ट्रेची रिबन और इसको अब हम न्यूटेला को इसके बीच में एक लंबी सी स्ट्रिप न्यूटेला की हम स्प्रेड कर देंगे विद हेल्प ऑफ अ स्पून और अ नाइफ। आप इसको अच्छे से एक इवन लेयर पूरे लेंथ पे इसके स्ट्रेच करते हुए इसके पूरे लेंथ पे स्प्रेड कर दीजिए। सो इवनली इसको स्प्रेड कर रहे हैं हम फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड और फिर हम इसको बहुत हल्के हाथों से इसको जब भी पूरा हो जाए स्प्रेड हम इसको रोल करेंगे। सो नाउ सी हाउ फ्रॉम वन एंड वी विल स्टार्ट रोलिंग इट स्लोली टिल द अदर एंड। इसको एक फर्म सा रोल करते 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 आप एक एंड से दूसरे एंड तक ले आइए। सो इट विल मेक अ नाइस स्पाइरल। आप देखिएगा इसमें एक स्पाइरल सा डिज़ाइन आ गया क्योंकि हम इसको रोल कर रहे हैं। सो यू विल बी एबल टू सी द स्पाइरल्स और ये इसको कलेक्ट करके इसका जो एंड है उसको दबा दीजिए, जो इसका लास्ट में एंड बचेगा उस डो को वहाँ से पिंच करते थोड़ा दबा दीजिए। और इसको अभी हम, आप देखिएगा इसके हम दो बंस बनाएंगे, स्पाइरल बंस, और बीच में से हम इसको काट लेंगे। आप स्पाइरल्स देख सकते हैं, इसको विद द हेल्प ऑफ अ शार्प नाइफ हम इसको बीच से काट के इसको टू पीसेस में कर लेंगे। सो जस्ट सी हाउ इट इज़ टू बी डन। ये देखिए, इसको अब हम एक बहुत शार्प नाइफ लिया मैंने और इसको काट रही हूँ मैं इंटू टू इक्वल साइज पीसेस। और ये देखिए आप इसके स्पाइरल्स देखिए, हाउ नाइस दे लुक। न्यूटेला के ये जो लाइंस बन गई हैं इसमें, दे लुक वेरी नाइस। और अब हम इनको भी, इसको मैं ओवन में नहीं डालूंगी, इसको मैं एयर फ्रायर में डाल के 160 डिग्रीज पे 10 मिनट्स के लिए इसको एयर फ्रायर में डालूंगी। अब इन पीसेस को भी हम ढक के अबाउट 20 मिनट्स के लिए रख देते हैं ताकि ये भी राइस कर जाएं। मीनवाइल अभी ये देखिए आधा घंटा हो गया है, हमारे ये हमारी ब्रेड बिल्कुल देखिए राइस कर गई है एंड इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल। इस पे अब हमने एग वॉश लगाना है। सो जो हमने एग रखा हुआ था अलग, उसको मैं विद द हेल्प ऑफ अ ब्रश इस पूरे ब्रेड के ऊपर अच्छे से एक इवन लेयर ब्रश से लगा दूंगी। इट गिव्स अ नाइस ग्लॉस टू द ब्रेड, यू नो दैट, एंड इट गिव्स अ लवली गोल्डन कलर टू इट ऑल्सो। सो इसको हर पेटल पे और सेंटर पे इसको अच्छे से लगा देंगे, ऑन ऑल साइड्स, ऑन ऑल पेटल्स। सो लेट्स स्प्रेड इट इवनली एंड देन वी विल पुट इट टू बेक इन एन ओवन एट 180 डिग्रीज फॉर 20 मिनट्स। ये ब्रेड को मैं ओवन में डाल रही हूँ और जो छोटे दो बंस बनाए थे मैंने उनको मैं एयर फ्रायर में डालूंगी। सो नाउ दिस गोज इन टू द ओवन फॉर 20 मिनट्स एट 180 डिग्रीज। और ये अब ये देखिए दोनों बंस भी राइस कर गए हैं, इनको अब मैं एयर फ्रायर में डालती हूँ। दी स्पाइरल बंस, दे लुक सो प्रिटी। सो आई पुट इट इन एन एयर फ्रायर। इसको भी पहले ऊपर थोड़ा सा एग वॉश दे देते हैं, चारों तरफ से एग वॉश ऑन बोथ ऑफ देम एंड देन वी विल पुट इट इन एन एयर फ्रायर। सो हियर द एग वॉश इज डन एंड सी हाउ नाइस दे लुक, रियली लुकिंग नाइस एंड दे वेरी क्यूट एंड जस्ट द राइट साइज, चिल्ड्रन वुड लव दिस वन। सो आई पुट दिस इन एयर फ्रायर नाउ। पार्चमेंट पेपर को हम किसी मदद से हम इसको उठाएंगे और इसको एयर फ्रायर में डाल देंगे। आई टोल्ड यू वी आर बेकिंग इट एट 160 इन एन एयर फ्रायर फॉर अबाउट 10 मिनट्स। यू कैन चेक आफ्टर 8 मिनट्स, इफ यू फाइंड इट्स डन यू कैन रिमूव इट, अदरवाइज लेट इट सिट देयर फॉर 10 मिनट्स।
सो दिस इज डन। ये 10 मिनट का देखिए मैंने निकाला है, ये गोल्डन ब्राउन हो गए हैं ऑलरेडी एंड दे लुक सो नाइस। अब इसके ऊपर हमने ये बस शुगर डस्ट करनी है, ये मैं थोड़ी सी पिसी हुई चीनी, ये देखिए हाउ नाइस दे लुक एंड आई एम गोइंग टू डस्ट सम शुगर ऑन इट। ये कास्टर शुगर मैंने ली है विद हेल्प ऑफ अ सीव, हल्की सी इसके ऊपर डस्ट कर देंगे, बहुत ज़्यादा चीनी नहीं डालनी है नहीं तो बहुत मीठा हो जाएगा। जस्ट डस्ट लाइट स्प्रिंकल ऑन इट, दे लुक वेरी वेरी नाइस एंड वेरी टेस्टी, आई मस्ट टेल यू डू ट्राई इट आउट। और ये देखिए अब हमारी ब्रेड भी बिल्कुल तैयार है, इसको हमने रिमूव कर दिया है, देखिए इट इज जस्ट ब्राउन फ्रॉम द बेस ऑल्सो, द टॉप लुक्स नाइस गोल्डन ब्राउन एंड इसको हम वायर रैक पर रख देंगे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए। और इस पे इसके भी सेंटर में फिर हम शुगर को डस्ट करेंगे, कास्ट शुगर लेके बिल्कुल सेंटर में हम इसको थोड़ा सा डस्ट कर देंगे फॉर अ नाइस लुक। और इसको अब हम प्लेट करेंगे। सो एंजॉय इट फ्रेंड्स विथ योर फैमिली विथ योर फ्रेंड्स एंड गिव माई वीडियो अ लाइक इफ यू एंजॉयड सीइंग इट। बाय फॉर नाउ। Thank you.